दोस्तों आरसीबी और जीटी के बीच खेले गए मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में आया बड़ा बदलाव। दोस्तों अब प्लेऑफ की रेस काफी दिलचस्प हो चुकी है, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन सी टीम अब किस पायदान पर पहुंच चुकी है। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे पास एक छोटी सी विनती है यार कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों राजस्थान की टीम तो अब ये समझो कि क्वालिफाई कर चुकी है, क्योंकि इन्होंने 10 में से 8 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ 2 ही मुकाबले तो ये हारे हैं। रन रेट भी इनका काफी बेहतर है 0.622 और 16 अंक राजस्थान के पास है। अगर नंबर 2 की बात करें तो आती है केकेआर की टीम, जिन्होंने भी 10 मैच खेली, 7 में जीत मिली, 3 में हार। रन रेट इनका सबसे बेहतर है +1.098 और 14 अंक इनके पास है। इनके अभी भी 4 मुकाबले बची हुई और एक मुकाबला दूर है, जैसे ही एक मुकाबला जीतते तो ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। बात करेंगे लखनऊ की, तो भैया लखनऊ की टीम है नंबर 3 पर, 10 में से 6 मुकाबले जीते, 4 हारे हैं। रन रेट की बात करें तो +0.094 और 12 अंक इनके पास हैं। तो अब लखनऊ की भी यहाँ से 4 मुकाबले बचे हुए हैं और 2 मुकाबले इनको जीतने होंगे प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो नंबर 4 पर आती है। तो हैदराबाद की टीम ने भी 10 मुकाबले खेली है, 6 मुकाबलों में इनको जीत मिली, 4 में इनको हार मिली। रन रेट की बात करें तो +0.072 और 12 अंक इनके भी पास हैं। तो अब हैदराबाद के भी यहाँ से 4 मुकाबले बचते हैं, अगर ये 4 में से 2 जीतते हैं तो ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं चेन्नई की, तो दोस्तों चेन्नई की टीम ने भी 10 मैच खेली है, लेकिन जीते सिर्फ 5 हैं और 5 में ही इनको हार मिली है, 10 अंक इनके पास है। अब दोस्तों चेन्नई के भी 4 मैच बची हुई है, अब अगर चेन्नई को यहाँ से क्वालिफाई करने हैं तो 4 में से कम इनको 3 तो जीतने पड़ेंगे, तब जाकर के चेन्नई की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। बात करते हैं नंबर 6 की, तो आती है दिल्ली की टीम। अब दिल्ली की टीम ने भी दोस्तों 11 मुकाबले खेली है और जीत की बात करें तो सिर्फ 5 जीत अब तक इनके हाथ लगी, जिसके चलते इनके 10 अंक हैं। अब दिल्ली की 3 मुकाबले बचे हैं, अगर ये 3 मुकाबले जीतते हैं तो डेफिनेटली दिल्ली की टीम भी क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर ये 3 मुकाबले जीतते हैं तो रन रेट भी इनका बेहतर हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब ने भी 10 मैच खेली है, 10 में से सिर्फ 4 ही जीते हैं और सिर्फ इनके अंक 8 हैं। अब पंजाब के भी 4 मैच बची हुई, अगर ये 4ों के 4ों मैच जीतते हैं तो इनके भी 16 अंक हो जाएंगे, ऐसे में पंजाब की टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। अब बात करेंगे हम भैया जीटी की, तो जीटी ने भी 10 मैच खेली है, 4 में जीत मिली है और 6 में हार मिली, 8 अंक इनके पास हैं। अब दोस्तों अगर गुजरात की टीम भी अपने बचे हुए सारे मैच जीतती है तो इनके भी 16 अंक हो जाएंगे। अब एमआई और आरसीबी की दोस्तों बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने 3-3 मुकाबले ही जीते हैं, एमआई के 3 मैच बचे हैं, अगर अब तीनों जीतते हैं तो इनके 12 अंक हो गए, यानी कि अब एमआई का सफर खत्म हुआ, प्लेऑफ की रेस में ये सबसे पिछड़ चुके हैं। सेम हालात आरसीबी के, आरसीबी की भी 3 ही मुकाबलों में जीत मिली है इनके, हालांकि 4 मैच बचे हुए हैं, अगर ये 4 मैच जीतते तो इनके भी 16 अंक हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी मुश्किल रहेगा क्योंकि आरसीबी का जो खेल रहा है 7 मुकाबलों में हार मिली, तो काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से रहा आईपीएल का अब तक का ये पॉइंट टेबल। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार का फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, यार कमेंट करके जरूर बताओ, यार कमेंट क्यों नहीं करते, यार कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।